देखो बच्चों, आज अपन चलेंगे शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन यूनिट नंबर थर्ड, यूजीसी नेट यूथ पब्लिकेशन से पढ़ रहे हैं। 1947 से पहले भारत में कितने शारीरिक शिक्षा संस्थान थे? कितने थे? चार। शारीरिक संस्थान कितने थे? चार। ठीक है, यूनानी में। अगला क्वेश्चन है, यूनान में शारीरिक शिक्षा के इतिहास को चार कालों में विभाजित किया गया, ये कौन कौन से थे? सबसे पहले होमेरिक काल, फिर स्पार्टन काल, और प्रारंभिक एथेंसी काल और शरण काल। ये चार काल थे यूनानी, यूनान में चार कालों में। होमेरिक काल, ये देखो नीचे देखो व्याख्या। होमेरिक काल 1100 ईस्वी में, स्पार्टन काल, एथेंस काल और शरण काल लास्ट में 300 ईसा पूर्व में। ठीक है बच्चों, ठीक है आगे चल। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के लिए आवंटित समय किसने अनुलोमित आनुपातिक होता है? इसमें आएगा बी कार्यक्रम की विषय वस्तु, आवंटित विषय वस्तु किसमें आते हैं? आवंटित कार्यक्रम की विषय वस्तु में आती है। ये किसके अनुसार किया गया? शारीरिक शिक्षा एक अभिन बूचर के अनुसार। आगे देखो, बूचर के अनुसार क्या कहा गया कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का पद्धति का एक अभिन्न अंग है। ये किसने कहा था? चार्ल्स बूचर ने। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो बच्चे, ये दे रखा है इसमें अभिन्न अंग कौन कौन से बताया गया है। अभिन्न अंग बताया गया है कौन कौन से? व्यक्तित्व का विकास होता है, जिसके बाद शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, स्वास्थ्य का विकास होता है, नाड़ी संस्था तथा मांसपेशियों संस्था का समन्वय होता है। इस शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य उद्देश्य हैं। ये मकसद शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? व्यक्ति का संपूर्ण विकास। ठीक है, चार्ल्स बूचर ने बोला है कि व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होना चाहिए। ठीक है, शारीरिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन देख, शारीरिक शिक्षा का मूल तत्व क्या है? स्वास्थ्य। शारीरिक शिक्षा का मूल तत्व शारीरिक गतिविधियाँ, सॉरी शारीरिक गतिविधियाँ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अनुसार जुलाई 2019 तक एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होनी चाहिए? 60 मिनट होनी चाहिए। कितनी हॉकी अंतर्राष्ट्रीय मैच में 60 मिनट होनी चाहिए। अब हॉकी मैच 35 मिनट के दो हाफ के बजाय 15 मिनट चार क्वार्टर में खेले जाएंगे। कितने? दो हाफ के बजाय 15 मिनट के चार क्वार्टर, 15 15 चौक 60, 15 मिनट फिर 15 मिनट फिर 15 मिनट ऐसे खेला जाएगा। टोटल अवधि कितनी थी है? 60 मिनट। अगला क्वेश्चन देखा, 13वां क्वेश्चन, इनमें से किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है? ये किसने कहा था? चार्ल्स बूचर ने कहा था। पीछे फट गए थे अपन, किसका बताया? चार्ल्स बूचर ने बताया। चार्ल्स बूचर ने बताया। आगे देखो बच्चों, देखो बच्चों, हमारा तो फटाने का काम है। ठीक है, इस देखो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य देखो, शरीर शारीरिक विकास, मानसिक गामक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आएगा? कौन सा नहीं आएगा? फिटनेस एवं मनोरंजन कार्यक्रम, सेवा कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यक्रम, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल प्रोग्राम। इसमें कार्य शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आएगा। कौन सा? सी ऑप्शन, स्वास्थ्य स्वस्थता कार्यक्रम। स्वस्थता कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा के दायरे में स्वस्थता कार्यक्रम नहीं आएंगे। कौन कौन से नहीं आएंगे? इसमें दे रखा है दायरे में कार्य आएंगे, शारीरिक शिक्षा के दायरे में आएंगे। कौन कौन से आएंगे? फिटनेस मनोरंजन कार्यक्रम, सेवा कार्यक्रम, इंट्रामुरल एक्स्ट्रामुरल प्रोग्राम, आत्मरक्षक क्रियाएं, बुनियादी व्यायाम, कार्य क्षमता का परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन।
जेसी फेरिंग विलियम्स के अनुसार शारीरिक शिक्षा को उन व्यक्तियों की शारीरिक गतिविधियों के योग के रूप में परिभाषित किया गया था जिन्हें जिन्हें वांछित परिणाम के रूप में चुना गया। जेसी फेरिंग विलियम्स के अनुसार कहा गया है कि शारीरिक शिक्षा को उन व्यक्तियों की शारीरिक गतिविधियों के योग के रूप में परिभाषित किया गया था जिन्हें वांछित परिणाम के रूप में चुना गया था। जेसी फेरिंग के अनुसार जेसी फेरिंग कहाँ का था? फ्री मैन के भीतर 2008 में आया था ये, ठीक है छोड़ो। इसने शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की? शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की बताओ बच्चों? शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की? शारीरिक शिक्षा फ्रेडरिक लुडविंग जोन ने शुरू की थी। फ्रेडरिक लुडविंग जोन ने शुरू की शारीरिक शिक्षा। जोन जर्मन जिम्नास्टिक पुस्तक को लिखा था तथा जर्मन जिम्नास्टिक शिक्षक एवं राष्ट्रवादी जैसे आमतौर पर टर्नवेरियन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जर्मन जिम्नास्टिक शिक्षक राष्ट्रीय आंदोलन से आमतौर पर टर्नवेरियन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सना साइपस का साई में विलय कब हुआ? 1987 में, नॉर्मल है। सना साइपन 1 मई 1987 को शारीरिक शिक्षा में विलय हुआ, ठीक है। एल सी पी ई ग्वालियर के संस्थापक कौन है? जोसेफ प्रोफेसर पी एम जोसेफ ग्वालियर 11 अगस्त 1957 को इसकी स्थापना की गई। YMCA की स्थापना कब की? 1920 में की गई YMCA की। इसके संस्थापक कौन थे? एस सी बक थे, ठीक है। इसके बाद में कहें डिडास केलियम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? डिडा केलियम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? ये देखो, ये था ये संगीत, एक संगीत विद्यालय के रूप में। किसके लिए प्रसिद्ध था? एक संगीत विद्यालय के रूप में। राजकुमारी अमृता कौर किस खेल के लिए श्रेष्ठ खिलाड़ी थी? टेनिस के लिए बैडमिंटन अच्छी खिलाड़ी थी। कौन सा प्राचीन काल में वैदिक काल माना जाता है? वैदिक काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को वैदिक काल माना जाता है। 2500 से 600 ईसा पूर्व को वैदिक काल माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में किसने जर्मन में टर्नवेरियन आंदोलन की शुरुआत की? लुडविंग जोन ने, ठीक है। जर्मन जिम्नास्टिक राष्ट्र आंदोलन पर जिम्नास्टिक का पिता भी कहा जाता है। जर्मन में जिम्नास्टिक का पिता माना जाता है। किसने ब्लूम व उनके साथियों द्वारा सुझाव किए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के तौर पर उपयुक्त माना है? इसके अनुसार माना है हारोल्ड एम बेरो ने साथियों द्वारा सुझाव दिया गया, ठीक है। निम्न में से कौन सी मानव संस्कृति धरोहर है? शिक्षा है। मानव संस्कृति कौन सी है? मल्लयुद्ध, दोहा, बाला फेंकना, शिकार खेलना आदि, ये क्या हो गए, ठीक है। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होती है? शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होती है लोगों के आम स्वास्थ्य को सुधारना। शारीरिक शिक्षा का लोगों का स्वास्थ्य को सुधारना, ठीक है। भारत में मनोरंजन की शुरुआत किसने की थी? प्रोफेसर जी डी सोंदी ने की थी। भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत प्रोफेसर जी डी सोंदी ने की थी। किसने कहा कि मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का है? किसने कहा कि मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का? ये किसने कहा था? जोसेफ ली ने।
प्राणियों के संरक्षण वृद्धि विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने कहा था? ये कहा था मैकडूगल ने। किसने कहा था? मैकडूगल ने। राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की गई थी? सरकारी निकाय द्वारा, सरकारी निकाय द्वारा। मनोरंजन गतिविधियों में मानव पूरी श्रृंखलाओं को सम्मानित करना, सम्मिलित करना चाहिए, रुचियों को, आवश्यकताओं को, योग्यताओं को, विशेषताओं को। इसमें आवश्यकता आएगी, मानव की पूरी श्रृंखलाओं को सम्मिलित करना चाहिए, आवश्यकताएं। कोल कपूर कमेटी ने अपना कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1960 में किया था, 1960 में किया गया था, 1960 में एम कोल कपूर समिति, ठीक है। इसके बाद में 776 ईस्वी पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस खेल विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास कराना पड़ता था? पेडो ट्राइब के अनुसार, पेडो ट्राइब अभ्यास कराना पड़ता था। आगे क्वेश्चन, ये अपन का काम का, चलो फिर भी देख लेते हैं मोटा मोटा। ये ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जैसे ये इनमें आंख बंद करके ऐसे क्या करो, ए आर दोनों सही हैं, ए आर का सही स्पष्ट वर्णन करता है, लगभग 90% ये होता है। अस्तित्व मान, देखो परंपराओं, परंपरागत दर्शनों के विरुद्ध अधिक प्रतिक्रियाओं स्वरूप है, जो तात्विक सिद्धांतों में सर्वोच्च व्यवस्था एवं शाश्वत अर्थ की खोज करने की मांग करता है। ये से मान लेना, ये भी दोनों होंगे इसमें, यूजीसी नेट में आया हुआ है 2018 में, फिर भी देख लेना चाहिए इनको, ऐसे क्वेश्चनों को। जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, उसने कौन सा पुरस्कार दिया था? उसने दिया ओलंपिक लारेन, ओलंपिक लारेन, ओलंपिक। यह परिभाषा की, खेल में विशुद्ध क्रियाकलाप संबंधी आनंद के लिए अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है, किसने दी है? बी पिगेट ने। किसने? पिगेट ने। ये दोबारा क्वेश्चन पढ़ दें। यह परिभाषा की, खेल में विशुद्ध क्रियाकलाप संबंधी आनंद के लिए अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है, ये किसने दी है? पिगेट ने। पिगेट के अनुसार खेल में विशुद्ध क्रियाकलाप संबंधी आनंद के लिए अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है, पिगेट के। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में मुख्यतः अंतर है किसका? प्रणाली का या प्रेरक का? प्रणाली का, शारीरिक शिक्षा प्रणाली का है। यदि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो गए जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है इसका है जॉन बर्नार्डे शॉ का, ए ऑप्शन है, जॉन बर्नार्डे शॉ का ऑप्शन। हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं, किसने? जॉन बर्नार्डे शॉ का है। जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की थी? 1844 में, विलियम्स ने 1844 में की थी। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना 1844 में लंदन में की। शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य है, शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य है, इसमें क्या गया? अच्छे मानव संबंधों का विकास, अच्छे मानव संबंधों का विकास, ठीक है। निम्नलिखित में से युगम सही है, युगम। अखिल भारतीय की स्थापना, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना कब की गई थी? कोल कपूर समिति क्या 1960 में की गई थी, कुंद्र समिति 1960 में की गई थी, खेल कूद तदर्श समिति की स्थापना, इसमें
कुंजरू सीमित स्थानों को 1959 में की गई थी। भारत सरकार ने डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में की गई थी। विद्यार्थियों को अनुशासन, ठीक है। राष्ट्रीय खेल नीति कब बनाई गई? 1984 में। आगे चल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर को भारत में बोर्ड द्वारा मान्यता कब मिली? तक 1966-68 में मिली थी, 1965-66 में, 1965-66 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर को, ठीक है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा जननित संस्था है कौन सी है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट संस्था है कौन सी है? डी ऑप्शन है डी, नेशनल कैडेट कोपर्स, डी ऑप्शन है। इसमें क्या गया? भारतीय अधिनियम 1948 के अनुसार एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्स को भारत में लागू किया गया। यह योजना रक्षा मंत्रालय द्वारा अधीन है। YMCA कॉलेज, कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? YMCA के भक्त साहब है। 1920 में आया था, कहाँ का था? ये मद्रास का था। प्रथम प्राचार्य था। हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है? खेल है, ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा सर्व शिक्षा को मान्यता दी गई 1882 में दी गई। कब दी गई थी? 1882 में। हंटर शिक्षा आयोग द्वारा 1882 में दी गई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है सुरक्षा परिषद में, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, ठीक है। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला राष्ट्र कौन सा है? अमेरिका है, ठीक है। इसके बाद में कौन सा है? फ्रांस है। फ्रांस के बाद ब्रिटेन है। ये दो 2015 के अनुसार क्या कहा गया? अमेरिका है, फिर फ्रांस है, फिर ब्रिटेन है, वही सेम है। भारत तो बहुत नीचे। मुर्गी का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला? अंग्रेजी काल में, अंग्रेजों के काल में मिला था, नहीं मुसलमान काल में। मुर्गी का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेल, इसमें मुसलमानों के काल में ये दे रखा है ना, मुसलमान काल में घुड़दौड़, तलवार चलाना, धनुर्विद्या, कुश्ती जैसे खेला है। आगे क्वेश्चन है, शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण आवश्यक है? सर्व शिक्षा, शरीर के विकास के लिए, ठीक है। विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब पर आरंभ हुआ था? 1864 में। विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1864 में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 24 सितंबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने पहले सदस्य? 51 थे, वर्तमान में 193 सदस्य हैं। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया? 1952 में। कब किया गया? 1952 में। ये क्वेश्चन है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया था? 1952 में किया गया था, 24 जनवरी से 1 फरवरी 1952 को बम्बई में किया गया था फिल्म महोत्सव। तो वर्तमान में इसका वार्षिक महोत्सव कहाँ पे किया जाता है? गोवा में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? गोवा में किया जाता है। वर्तमान में गोवा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। 18वीं शताब्दी से शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में शुरुआत माना जाता है। रूसों ने बच्चों की शिक्षा को शारीरिक अथवा मानसिक वर्गों में विभाजित कर उनके संपूर्ण विकास पर बल दिया। वर्तमान समय में शारीरिक क्रियाकलापों को महत्वपूर्ण अत्यधिक बढ़ गया है। एनसीसी की स्थापना कब की गई थी?
1948 में भारतीय पार्लियामेंट 1948 के अनुसार एनसीसी को भारत में लागू किया गया था रक्षा मंत्रालय द्वारा। गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल से खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज्यादा सुगमता से होती है, यह व्यक्तित्व है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत में खुले प्रथम शारीरिक महाविद्यालय का नाम है इसकी वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, खुले प्रथम शारीरिक महाविद्यालय, ठीक है। इसके बाद में 1920 में मद्रास में स्थापना की, इसका बक स्थापना था अतः लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर 1997, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला 1940 में, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ लखनऊ 1932 में। इसके बाद में बच्चों देखते हैं, इसके बाद में थोड़ा सा ये मिस्टेक हो जाती है बच्चों। स्पोर्ट्स म्यूजियम अवस्थित है पटियाला में, स्पोर्ट्स म्यूजियम पटियाला में अवस्थित है। इसकी स्थापना स्पोर्ट्स म्यूजियम की स्थापना 1961 में की गई थी, अतः यह म्यूजियम 1973 में NSNIS पटियाला में से संबंधित किया गया है। सर शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है मैदान। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? धनुर्विद्या के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय अद्वितीय था। इसमें शारीरिक शिक्षा, कुचार कलाओं, धनुर्विद्या, युद्ध कला, रथ संचालन एवं संगीत एवं नृत्य से संबंधित किया गया था। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब की? 1932 में। इसमें क्रिश्चियन कॉलेज प्रथम प्रिंसिपल ड्यूब ट्रेंड मुंबई थे। स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना भारत में हुई, स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना भारत में हुई 1954 में। इसको जी एफ आई राष्ट्रीय तप खेलों में 1954 में 19 वर्ष से कम होती है, यह इनकी आयु लड़का लड़कियों की भाग ले 19 वर्ष से कम ले सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को मान्यता दी जाती है? एनसीटी द्वारा। किसकी स्थापना? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के अधीन 1993 के अधीन 16 अगस्त 1995 में की गई थी। एनसीटी मुख्यालय दिल्ली में। शारीरिक शिक्षा का क्या है? शारीरिक शिक्षा का विकास, ठीक है। कीचड़ स्थान प्रचलित था एथेंस में, कीचड़ स्नान प्रचलित था एथेंस में, कीचड़ स्नान एथेंस में प्रचलित था। एथेंस में पेलेस्ट्रा तैराकी और स्नान के लिए प्रसिद्ध था। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक कौशल का विकास करना। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? 1920 में बक द्वारा 1920 में मद्रास में। इसने डिप्लोमा प्राप्त किया, फिर प्रथम प्रमाण पत्र, फिर उच्च प्राप्त हुआ। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ पर? ग्वालियर में की थी। कब की गई थी? 11 अगस्त 1957 को। फिर 1967 में पद्मश्री दिया गया। फिर 1973 में इसका नामकरण लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय NCP किया गया। 1982 में स्वायत्त शासन संस्था का दर्जा दिया। 1995 में किया गया डिम्स विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बूढ़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वमुखी विकास से है। शिक्षा यह कथन परिभाषा की गई है स्वामी ये गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कहा गया है कि व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना ही
शिक्षा का कार्य है, पढ़ने शिक्षा का कार्य है। पैसेंजर टी पी नन के अनुसार कहा गया है, शिक्षा मनुष्य का पूर्ण विकास है जिससे कि वह अपनी सर्वोत्तम शक्ति के अनुसार मानवीय जीवन में मौलिक योगदान दे। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की? 1984 में। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की 16 मार्च 1984 को की गई थी। शारीरिक शिक्षा का ध्येय क्या है? मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। इसके बाद में आ जाओ, जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जोहन बर्नार्ड बेसुडो ने जिस स्कूल की स्थापना की उसका नाम है फिलेंथ्रोपियन। फिलेंथ्रोपियन के द्वारा, फिलेंथ्रोपियन को जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा पितामह कहा जाता है। 1773 में ड्यूसू नामक स्थान पर उन्होंने प्राकृतिकवादी पाठशाला खेलो इसका नाम फिलेंथ्रोपियन रखा गया। फिलेंथ्रोपियन की नींव रूसों की विचारधारा पर रखी गई जाती है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, ग्राम्य विकास, मानसिक विकास, मानवीय संबंधों का विकास या कथन किसका है? चार्ल्स बूचर का। किसका है? चार्ल्स बूचर का। शिक्षा में खेल पढ़ाने के लाने किसे कहा जाता है? कार्ल बेल कुक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय संस्थान पटियाला कब शुरू की गई थी? 7 मई 1961 को। 7 मई 1961 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर के एल श्रीमाली ने राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला का उद्घाटन किया गया था। सुभाष चंद्र छिहत्तरवीं जयंती पर 23 जनवरी 1973 को नेताजी राष्ट्रीय संस्थान NIS कर दिया गया। 1987 में शारीरिक शिक्षा एंड खेल सोसाइटी की स्थापना किया गया। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया गया था? H.D. बक ने। शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू की? S.C. बक ने। आगे क्वेश्चन करते हैं बच्चों, YMC की स्थापना की गई S.C. बक फुटबॉल का। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ की गई? 1957 में। ठीक है, आगे चलो। भारत में शारीरिक शिक्षा का कब से प्रारंभ की गई? अंग्रेजों से हुआ, अंग्रेजों शासन काल से हुआ। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। यह कथन किसने किससे संबंधित है? D. Tuber के अनुसार, OPTUBE के अनुसार। ठीक है, आगे चल। खिलाड़ियों आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान को खेल मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं, यह कथन किसका है? पोप पोल द्वितीय का है। पोल द्वितीय का है। भारत सरकार ने 1959 में कुंजरू समिति का गठन किस लिए किया गया था? शारीरिक स्वास्थ्य एवं चरित्र निर्माण आदि योजना का परीक्षण करने के लिए कुंजरू समिति की स्थापना की गई थी। 1959 में की गई थी। इसमें क्या कहा गया था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर NFC कार्यक्रम शुरू है सारे भारत में 9 से 16 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए आवश्यक माना गया है। ठीक है, भारत स्कूल भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण गठन कहाँ किया गया था? कर्नाटक, SGFI दिसंबर 1954 में किया गया था। NSNIS का पूरा नाम है, इसका नाम है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। इसकी स्थापना 7 मई 1961 को श्रीमाली के डॉक्टर श्रीमाली संस्थापक द्वारा इसका नाम बदलकर 23 जनवरी 1963 NSNIS कर दिया गया। ठीक है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है
जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है, यह कथन परिभाषित किया गया जेपी ने इसके अनुसार चार्ल्स ए बूचर, शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, जो उद्यमशीलता का एक क्षेत्र है जो चुनी हुई सारी गतिविधियों के माध्यम से मनुष्य की निष्पादन क्षमता का परिणाम है। आगे देखते हैं, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, यह परिभाषा किसकी है? बी एन जाकी है। बी एन जाकी है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, शारीरिक अंगों का विकास, मांसपेशियों का विकास, प्रतिपादन विकास, भावनात्मक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा प्राधिकरण का प्रारंभ कब हुआ? 1909 में। स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ 1909 में 5 से 17 वर्ष के स्कूल बच्चों को शामिल किया गया। उन सारे विद्वानों का नाम जिसमें स्वास्थ्य को चयनात्मक प्रतिक्रिया समझा, उनको परिभाषित किया कि जीवन ही गुणवत्ता वह है जो किसी व्यक्ति को अच्छे से रखना बेहतर सेवा के लिए सक्षम है। ये किसके अनुसार होता है? जे एफ विलियम के अनुसार। जे एफ विलियम के व्याख्या में कहा गया है कि यह जिंदगी की गुणवत्ता है जो व्यक्ति को अधिक से अधिक जीने और बढ़िया काम करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। आगे चलें, 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर ने किस प्रकार की नवीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई थी? 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम, ठीक है। शारीरिक शिक्षा राष्ट्रीय योजना 1956 का गठन किसके द्वारा किया गया था? शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा। 1950 में शारीरिक शिक्षा के लिए केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। अतः इसके अतिरिक्त इस परिषद ने वर्ष 1956 में शारीरिक मनोरंजन का राष्ट्रीय नीति तैयार की गई थी। किसने रीजनल समिति द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कार्य करता है? 4 अगस्त 17 1995 को नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कार्य करता है। 4 देख लो, ये 4 क्षेत्रीय समिति कौन कौन सी है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है, जबकि भोपाल, भुवनेश्वर, बंगलोर, जयपुर में क्षेत्रीय समितियां हैं। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करता है, सर्वांगीण विकास ही होता है, उद्देश्य कहता है सर्वांगीण विकास होता है। जब भी इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, पहला भी है सर्वांगीण विकास भी है, मानसिक विकास भी है, शारीरिक विकास भी है, खेल कूद में भाग लेना ये चौथा ऑप्शन नहीं है। शारीरिक विकास, गामक गतिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। शारीरिक शिक्षा, शिक्षक का विचार कहाँ से भारत पहुँचा? इंग्लैंड से पहुँचा, इंग्लैंड में, इंग्लैंड से भारत पहुँचा 6 जून 1844 को जॉर्ज विलियम्स द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। अतः प्रथम इधर आई एम सी 1920 में कंधार छोड़। आगे चलो, निम्नलिखित में से किसी स्थान पर प्राचीन ग्लेडिटर मुकाबला आयोजित होता था? रोम में। कहाँ पर होता था? रोम में। सैद्धांतिक रूप से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है कहाँ पर? खेल का शैक्षिक केंद्र, खेल का शैक्षिक केंद्र पटियाला, तिरुवनंतपुरम में। ये देखो, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय महाविद्यालय, महाविद्यालय तिरुवनंतपुरम, दोनों संस्थाएं शिक्षक प्रतिभा। निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान नहीं है? पटना में नहीं है, कलकत्ता में है, बेंगलोर में, पटियाला में।
शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में नया दृष्टिकोण शामिल है। उपयुक्त सभी क्या क्या है? उपयुक्त संज्ञानात्मक है, मनोचालक क्षेत्र है, प्रभावी क्षेत्र है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में निम्न दृष्टिकोण है, संज्ञानात्मक क्षेत्र है, भावनात्मक क्षेत्र है, मनोप्रेरक। खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1982 में। भारतीय खेल प्राधिकरण के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के महत्वपूर्ण गठन 1982 में की गई थी। भारत सरकार ने जनवरी 1984 खेल प्राधिकरण पंजीकरण सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया। भाई भारतीय शिक्षा वाले अध्यापक के पास गुण होना चाहिए, अच्छा कार्यकर्ता होना चाहिए, अच्छा कार्यकर्ता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सकता है? शारीरिक संस्कृति मजबूत करता है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में शामिल है स्वास्थ्य शिक्षा, खेल कूद गतिविधि, कैंप डालना, नेतृत्व करना। भारत की पहली कौन सी संस्था थी जिसने देशी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया गया था? हनुमान व्यायाम प्रसार मंडल अमरावती 1914 में। दो सगे भाइयों वेद बंधु और अनंत कृष्ण वेद अम्बा दास वेद ने महाराष्ट्र के अमरावती में पहली शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई थी। खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना की एक सी संस्था है साई 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 की स्थापना 1984 में हुई। थैंक यू, कॉल करते हैं बच्चों। गुड नाइट।